पावन श्री गुरु ग्रंथ साहब के पावन अंगों की बेद भी करना तो बहुत दूर, इसकी कल्पना भी पूज्य गुरु जी या डेरा सच्चा सौदा की साथ संगत द्वारा नहीं की जा सकती, क्योंकि डेरा सच्चा सौदा एक ऐसी संस्था है जहां सभी धर्मों के लोग आते हैं और सभी धर्मों का आदर सत्कार करना सिखाया जाता है। जो पावन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन अंगों की बेअदबी हुई, जो कि बहुत ही निंदनीय है, बहुत घिनौना अपराध है, और उसमें पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जी को जो फाल्सली इम्प्लीकेट किया जा रहा है राजनीतिक षड्यंत्र के तहत, राजनीतिक साजिशों के तहत डेरा विरोधी ताकतों द्वारा, उसके विषय में आज हम ये कॉन्फ्रेंस करने आए थे यहाँ। आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस डेरा सच्चा सौदा सिरसा द्वारा आज यहाँ की गई है, इसका जो विषय था, जो मेन विषय आज यहाँ का था, वो जो 2015 के अंदर जो पावन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन अंगों की बेअदबी हुई, जो कि बहुत ही निंदनीय है, बहुत घिनौना अपराध है, और उसमें पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जी को जो फाल्सली इम्प्लीकेट किया जा रहा है राजनीतिक षड्यंत्र के तहत, राजनीतिक साजिशों के तहत डेरा विरोधी ताकतों द्वारा, उसके विषय में आज हम ये कॉन्फ्रेंस करने आए थे यहाँ। और आपको मैं बताऊं कि डेरा सच्चा सौदा और पूज्य गुरु जी का बेअदबी के मामले में किसी प्रकार का कोई हाथ नहीं है, क्योंकि डेरा सच्चा सौदा सभी धर्मों का आदर सत्कार करता था, करता है और करता रहेगा, और आपसी भाईचारे का संदेश हमेशा डेरा सच्चा सौदा और पूज्य गुरु जी द्वारा दिया गया है। पावन श्री गुरु ग्रंथ साहब के पावन अंगों की बेद भी करना तो बहुत दूर, इसकी कल्पना भी पूज्य गुरु जी या डेरा सच्चा सौदा की साथ संगत द्वारा नहीं की जा सकती, क्योंकि डेरा सच्चा सौदा एक ऐसी संस्था है जहां सभी धर्मों के लोग आते हैं और सभी धर्मों का आदर सत्कार करना सिखाया जाता है। आज केस तो चल रहा है, खराब ही हो गई, आज पीसी करने का क्या मोटिव? देखिए, ये केस 2015 से चल रहा है, लेकिन जो राजनीतिक षड्यंत्र के तहत पिछली सरकार कांग्रेस सरकार ने जो पूज्य गुरुजी का नाम इन्वॉल्व किया, वो जस्ट अभी ही चलान आए हैं, तो जब तक हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी हमारा बोलना बनता नहीं था। लेकिन ये एक जो ये बेअदबी की घटना है, ये सारे समाज के लिए घोर निंदनीय है, इसके सारी समाज इसकी घोर निंदा करता है, डेरा सच्चा सौदा भी और डेरा सच्चा सौदा की साथ संगत भी, क्योंकि हाँ जी देखिए, ये कानूनी प्रक्रिया है, कोर्ट के तहत जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी, हमारे वकील साहिबान जो भी रहेंगे सारे, वो कानूनी प्रक्रिया को अडॉप्ट करते हुए जल्दी, हमें माननीय कोर्टों पर पूरा भरोसा है कि इसमें जल्दी डेरा सच्चा सौदा को पूज्य गुरु जी को न्याय मिलेगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, पिछली सरकारों द्वारा ये राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया था, अब जो नई सरकार आई है हमें पूरी आशा है, क्योंकि पंजाब के लोगों को भी पूरी आशा है कि नई सरकार आई है, कुछ नया अच्छा होगा, तो हम भी सरकार से ये अपील करते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए, निष्पक्ष जांच करा के जो असली दोषी हैं उनको पकड़ा जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।